भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन खेती का मतलब केवल अनाज, फल और सब्जी पैदा करना ही नहीं है। आज इसके मायने बदल गए हैं। आधुनिक भारत का किसान सिर्फ पुराने समय से चली आ रही खेती पर ही भरोसा नहीं करता, आज वो खेती की नई नई तकनीकों को अपना रहा है और उससे अपनी आमदनी भी बेहतर कर रहा है। और ये है न्यू एज फार्मिंग, यानी पोल्ट्री फार्मिंग, जो आज का किसान खुले हाथों अपना रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अपने कल को बेहतर बनाने के लिए उसे अपने आज में बदलाव लाना जरूरी है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया कई सालों से काम कर रही है पोल्ट्री इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। इसी क्रम का एक हिस्सा था 23 अगस्त 2017 को हुआ इनका आयोजन, इनकी 29वीं AGM। मैं समझता हूँ पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है, और मैं समझता हूँ कि इस फेडरेशन ने इस दिशा में एक सकारात्मक पहल की है, और आज की मीटिंग से मुझे लगा कि अगर इसी तरह से पोल्ट्री के लोग इकट्ठे मिलकर, चाहे उसकी मार्केटिंग के इश्यूज़ हों, चाहे उसके रिसर्च के इश्यूज़ हों, उन सबको साथ में लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर जो है वो पोल्ट्री का भविष्य अच्छा है, और इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है इस देश के अंदर। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा काम करेंगे। पोल्ट्री इंडस्ट्री अपने काम और खुद अपने आप को कैसे ऊपर ले जाना है, इसका सारा दारोमदार खुद पर लेकर चल रही है। तरह तरह के नए आयामों को आपस में संजोकर इसे आगे लेकर कैसे जाना है, ये सब आज लोगों को पता है। और पूरे देश में हम पोल्ट्री के लिए जो है अंडा है, चिकन है, उसके प्रमोशन के लिए काम करते हैं, और पोल्ट्री फार्मर को गाइड करते हैं अभी अपना प्रोडक्ट को कैसे चलाओ, कैसे आगे लेकर जाओ, कैसे आगे बढ़ो, तो यही पोल्ट्री फेडरेशन का काम है। जैसे आजकल पोल्ट्री सेक्टर काफ़ी ऑर्गेनाइज होता जा रहा है, और इसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल कोई सहयोग नहीं है। पोल्ट्री फार्मर अपने आप में पहले जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के को देखते हुए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और आधुनिक तरीके से पोल्ट्री को आगे बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये देश की बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, जिसके लिए देश में और लोगों में कई तरह की भ्रांतियां फैली हैं। खासकर अंडे को लेकर लोगों में कई तरह की गलत जानकारियां हैं इसके फायदे और इसके व्यापार को लेकर। पोल्ट्री फार्मिंग, जैसा कि आपने आज सुना होगा, जो वार्ताएं हुई हैं कि सबसे बड़ी देश की पोल्ट्री इंडस्ट्री है, और जिसमें काफ़ी वृद्धि हो रही है। 12.9% हमने दिखाया था आपको कि वृद्धि हो रही है, तो निश्चितता ये इंडस्ट्री विकसित हो रही है। और अंडे की जहाँ तक बात है, तो अंडे में तरह तरह की भ्रांतियाँ सदैव रही हैं। किसी ने कहा है देसी अंडा अच्छा है, विलायती कमज़ोर है, या किसी ने कह दिया कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, इसको मत खाओ। जैसा कि आज भी एक मैडम ने वार्ता प्रस्तुत की थी कि ऐसा नहीं है, तो ऐसा कोई मिथ नहीं है कि अंडे के बारे में। पोल्ट्री फार्मिंग सिर्फ अपनी इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि समेकित कृषि को बढ़ावा दे रही है। किसान को हर तरह से सहायता करने के लिए पोल्ट्री इंडस्ट्री हर तरह से किसानों के साथ खड़ी है, फिर चाहे वो सहायता रोजगार की हो या फिर किसी और भी तरह की हो। देखिए, एक पोल्ट्री का जो किसान होता है वो 5 एग्रीकल्चर किसानों को रोजगार देता है, क्योंकि जो पोल्ट्री का किसान है वो मक्का खरीदता है, सोयाबीन खरीदता है, बाकी चीज़ें खरीदता है। तो पोल्ट्री एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। और अगर हिंदुस्तान में हमें किसानों को, जैसे प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि हमें फार्मर की इनकम को डबल करना है, तो उसमें पोल्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पोल्ट्री अगर नहीं है तो इस देश का करीब 60-70% मक्का जो है वो पोल्ट्री खरीदता है। अगर पोल्ट्री नहीं ग्रो करेगा तो उन किसानों का क्या होगा। इसी तरह से करीब 50% जो सोयाबीन है उसकी जो खल है, ऑलमोस्ट 100% खल जो है वो पोल्ट्री सेक्टर या लाइव स्टॉक सेक्टर में जाती है। तो बहुत बड़ा सपोर्ट करता है पोल्ट्री सेक्टर किसानों के लिए, और हमारा अनुमान ये है कि एक पोल्ट्री का किसान हिंदुस्तान के 5 एग्रीकल्चर फार्मर्स को सपोर्ट करता है। पोल्ट्री यानी अंडा और चिकन, यानी मानव के भोजन में प्रोटीन की सप्लाई को बढ़ाना। प्रोटीन मानव के शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, यह हर इंसान को बेहतर ढंग से पता है, और एक अंडा रोज हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, ये बात लोगों को समझना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम प्रोटीन की बात करें, हमारे लिए सबके लिए ज़रूरी है। प्रोटीन आपको दालों से भी मिल सकता है, अंडे से भी मिल सकता है, दूध और दही से भी मिल सकता है, लेकिन एक अंडे से जो प्रोटीन मिल रहा है
छोटा सा अंडा है 30 ग्राम या 40 ग्राम का अंडा होता है, उससे अगर आपको 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है और उतना ही मात्रा में अगर आप प्रोटीन लेना चाहते हैं तो आपको 30 ग्राम दाल खानी पड़ेगी। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर आप 30 ग्राम दाल खाएंगे तो आपको 6 ग्राम या 7 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, उसकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो होगी कम से कम 60-70%। आप उसकी जगह एक अंडा अगर सिर्फ खाते हैं, छोटा सा अंडा 40 ग्राम का या 50 ग्राम का ले लीजिए, उससे भी आपको 7 ग्राम प्रोटीन मिलेगा जिसकी डाइजेस्टिबिलिटी 100% होगी। तो एक अंडा अगर रोज़ इंसान एक खाता है तो मुझे लगता है ये फ़ायदे की चीज़ है। पोल्ट्री फार्मिंग आज देश के व्यापार को नए आयाम तक पहुँचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, साथ ही लोगों में सेहतमंद खाना खाने के लिए जागरूकता बढ़ा रही है, फिर चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी। हमें अपने शरीर के लिए ज़रूरी तत्व जहाँ से भी मिले हमें ले लेना चाहिए। व्यापार और स्वास्थ्य दोनों ही बेहद जरूरी है। हमारे कल को बेहतर हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। अब वक्त आ गया है कि देश का युवा अपने लिए आ रहे इस अवसर को तुरंत ग्रहण कर ले, क्योंकि इस नए जमाने में अब सिर्फ नया करने वालों के लिए जगह है और उस नए का ही एक रूप है ये न्यू एज फार्मिंग यानी पोल्ट्री।